चैप्टर 9 कृषि संसाधन उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन। जी हाँ, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं इस बुक के बारे में। इस बुक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश जो भी कोई भी एग्ज़ाम निकालता है अपने स्टेट में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पटवारी हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर यूपी कंडक्ट कर रहा है तो आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, कृषि संसाधन किस प्रकार के हैं वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है और वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, सिंचाई के बारे में, संरचना के बारे में, अवस्थिति और विन्यास के बारे में। तो ये सभी के सभी वीडियो हम इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम करेंगे फिलहाल कृषि संसाधन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये बुक को मार्केट से परचेज नहीं करा है तो प्लीज़ इसको परचेज कर लीजिए। जो जो पॉइंट जो मैं आपको हाईलाइट करवाने जा रहा हूँ वो सभी पॉइंट आप हाईलाइट करिए और उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करना। और यूपी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आता है तो डैम श्योर आप उसका सही जवाब लगाकर पक्का आएंगे अगर आप रिवीजन करेंगे तो। अगर ये बुक आपके पास में नहीं है और मार्केट बहुत दूर है तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए मैं उसका लिंक जो होगा आप सभी को दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात कि जो मानव है वो कितने समय से कृषि करता हुआ आ रहा है। तो कितने समय से खेती हो रही है भारत के अंदर, तो वो हो रही है 40 शताब्दियों से। ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। छोटा सा ओवरव्यू था, आपको देना बहुत जरूरी था, सो दिया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि का महत्व कई कारणों से है। जैसे पहला हम रीजन पढ़ते हैं कि कृषि उत्तर प्रदेश के आर्थिक जीवन का प्राण है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का आधे से अधिक भाग, मतलब अगर उत्तर प्रदेश की जो भी जनसंख्या वहाँ की है उसका 59.3% जो लोग हैं वो इसी पर आधारित उनका जीवन है। उनका व्यवसाय क्या है? कृषि, खेती करना है। और उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। बस पॉइंट नंबर 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पॉइंट नंबर 4 हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती एवं समर वर्गीय व्यवसाय पर आधारित है। राज्य की वर्ष 2012 और 13 में कुल आय थी इतना करोड़ रुपये, 683,651 करोड़ रुपए में कृषि एवं समवर्गीय क्रियाकलापों का अंश 31.1% था, जिसमें से खेती और पशुपालन का खंड का प्रतिशत 30.7% है। अब हम बात करते हैं जनगणना के बारे में। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के कुल कर्मगारों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश है आपका 59.3, इसमें 29% जो है वो किसान, राष्ट्रीय औसत 24.6 से अधिक है। अब देखिए, यहाँ पर हम पहुँचते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 और 2 में शुद्ध बोया क्षेत्रफल 168.12 लाख हेक्टेयर था, जो घटकर कितना हो गया 11 और 12 में, ये हो गया 166.23 लाख हेक्टेयर। तो देखिए, पहले था 168, अब कितना हो गया फिलहाल, ये हो गया आपका 166। उत्तर प्रदेश के कुल बोए गए क्षेत्र का 80.67% भाग शुद्ध सिंचित है। उत्तर प्रदेश की कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 71.5% पे नलकूप है, 18.9% नहर और शेष भाग पर क्या है, अन्य स्रोत के सिंचाई के साधन होते हैं। अब देखिए, राज्य में औसत कृषि जोत आकार 0.75 हेक्टेयर है और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पे आपको प्रदेश दिखाई दे रहा है ना, उसके आगे आप लगा लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए, प्रदेश में 74% सीमांत कृषक हैं, 16% लघु कृषक एवं 10% बड़े कृषक हैं। कृषि गणना 2005 और 6 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है, 17,905.9 हेक्टेयर।
और 2010 और 11 में घटकर ये कितना हो गया, 17,905 पहले था, अब कितना हो गया, 17,089 हजार हेक्टेयर। और इसमें क्या हुआ, जोतों के क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की कमी दर्ज की गई है, अगर ये काउंट करा जाए तो कमी आई है 4.56% की। 1 जुलाई 1952 से उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू किया गया। 1954 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चकबंदी योजना कब लागू हुई उत्तर प्रदेश में, वो वर्ष है आपका 1954। आगे हम बात करते हैं 1992, 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जोतों की जानकारी में सहूलियत हेतु किसान बही योजना लागू करी गई। तो यूपी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम कुछ इस तरह से हुए थे, जिस एग्ज़ाम में किसान बही योजना किस वर्ष लागू हुई, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया था। तो ये वर्ष आपको याद रखना है 1992। बाकी आप चाहें तो ये सस्य गहनता वगैरह ये आप पढ़ सकते हैं। आगे बस केवल इसमें आपको ये याद रखना है कि रबी या शीत ऋतु की फसल, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, रबी या शीत ऋतु की फसलें विविधतापूर्ण जलवायु में पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पे जलवायु क्या होती है, अलग अलग होती है। बीज के अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि हेतु ठंडी जलवायु एवं अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है ऐसी फसलों में, जबकि पकने के लिए इसको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। रबी फसलों को शीत ऋतु में मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और इसे काटा कब जाता है, अप्रैल से जून के बीच में। याद रखना रबी की फसल कब बोई जाती है और कब इसको काटा जाता है। तो आप प्लीज़ इसको याद रखना कि अक्टूबर से दिसंबर में ये बोया जाएगी फसल, और उसके बाद में क्या होगा, अप्रैल से जून के बीच में कभी भी इस फसल को काटा जा सकता है। इन फसलों के लिए शीतकालीन वर्षा अत्यंत लाभकारी होती है। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि शीत ऋतु की फसल के लिए कौन सी वर्षा अत्यंत लाभदायक होती है, तो वो है आपका शीतकालीन वर्षा। अब देखिए, इसमें जो कैटेगरी आती है वो कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, बरसीम, मसूर, अरहर, लाही और कुछ मुख्य रबी फसलें। अब हम बात करते हैं आपसे, रबी फसलें कम्प्लीट हो गया, फिर हम बात करते हैं खरीफ या वर्षा ऋतु की फसल। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, खरीफ फसलें उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के समय में बोई जाती है और उसके लौटने के समय इसको काट देते हैं। अगर दूसरे शब्द में हम कहें तो मई से जुलाई तक के बीच में ये बोई जाएंगी, ठीक है, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको काट दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, तुर, तुर बोलते हैं अरहर को, ठीक है, अरहर की दाल जो होती है ना वो, मूंग, उड़द, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली और सोयाबीन। आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कौन सी फसल जो है खरीफ फसल है, आपको चार ऑप्शन देगा, उसमें आपको तीन ऑप्शन देगा रबी की फसल के, ठीक है, आपको उसमें से अलग चूज करना है जो आपके खरीफ की फसल की कैटेगरी में आता होगा। तो ये सभी फसलें आपको याद करनी है, एक भी फसल आपको इसमें स्किप नहीं करनी है, ना ही तो आपको इसमें जूट का स्किप करना है, ना ही इसमें आपको मूंग का स्किप करना है। डिट्टो जैसे लिखा गया है वैसे ही अपना पेन पेपर उठाइए, उस पर लिखिए और याद करिए इसको। उपयोगिता एवं आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को मुख्य चार प्रकार में डिवाइड करा गया है। पहली आपकी खाद्य फसल, सेकंड है आपकी व्यापारिक फसल, थर्ड है आपकी पेय फसल, फोर्थ है आपकी रेशेदार फसलें। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, उसका नाम बताइए। उसमें है आपका है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, चाय, गन्ना, कपास और जूट। फसलों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट मैं थोड़ा सा चावल के बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोगों का जो खाने वाली फसल है वो है आपकी चावल। वहाँ पे आटा लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे चावल खाते हैं। प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि पर 18% भाग पर कौन सी खेती होती है, वो होती है चावल की।
अधिकांश खाद्यान्न कौन सी फसल है? तो वह आपके चावल, और 18% भाग पर केवल केवल चावल की खेती ही होती है। फिर हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 20% भाग पर क्या होती है? गेहूं की खेती होती है। कितने परसेंट भाग पर? 20% भाग पर। गेहूं का याद रखना है आपको, और चावल का 18 है तो गेहूं का है 24%। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में किसी फसल की खेती के अंतर्गत ये सर्वाधिक भी हो जाती है। बस आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मक्का के बारे में। मक्का को जी मईज कहते हैं। मक्का मुख्य रूप से खरीफ फसल होती है, और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है आपका 21 डिग्री से लेकर के आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 15 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा चाहिए होती है। हल्की बुलई तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं। अगर इस प्रकार की मिट्टी में मक्का की खेती काफ़ी अच्छी होगी। फिर हम बात करते हैं कानपुर के बारे में। कानपुर में दलहन शोध संस्थान है। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर वन में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका कानपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं सरसों एवं तोरिया के बारे में। ये आपको अच्छे से पता होगा, वैसे जो लोग बिलोंग करते हैं आपके यूपी स्टेट में रहते हैं तो उनको खेती के बारे में तो अच्छे से आइडिया होगा कि उनके यहाँ पर कौन सी खेती होती है। लेकिन अदर किसी स्टेट के बच्चे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का उनको कोई एग्जाम है, तो उनके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सरसों एवं तोरिया के बारे में। इसके लिए आवश्यक जो वर्षा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक। फिर हम बात करते हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली के बीज में 40 से 50% तक तेल पाया जाता है। और मूंगफली की खेती के लिए कितने परसेंट की वर्षा आवश्यक होती है? सेंटीमीटर की सॉरी 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मूंगफली उगाई जाती है। कपास के बारे में बात करते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जैसे अभी हमने कुछ समय पहले एक मृदा वाले चैप्टर में देखा था, तो इसमें होती है आपकी काली मिट्टी। और कपास के पौधे का जन्म कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति में कपास के धागे का विवरण मिलता है। यहीं से डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस वेद में कपास के धागों का उल्लेख करा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना है, तो अब याद रखना ऋग्वेद में क्या हो गया, कपास के धागे का विवरण या प्रस्तुतिकरण है। उत्तर प्रदेश की में जो कपास की खेती होती है वो होती है गंगा यमुना दोआब में, रुहेलखंड तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के सहारे की जाती है। कपास किस प्रकार का पौधा है? कपास जो है वो उष्ण कटिबंधीय पौधों में आता है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक उच्च तापमान, 210 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, तेज वे चमकदार धूप। बात करें वर्षा के बारे में तो यहाँ की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। जूट, जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा। जूट भारत का एक्चुअली एक प्राचीन पौधा होता है, इसको बोलते हैं सुनहरा रेशा बोलते हैं। बात करें यहाँ पे हम तापमान की 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और साथ ही 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। फिर हम बात करते हैं अफीम के बारे में। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जो जनपद है वो कौन सा है? कौन से जनपद में अफीम की खेती होती है? तो वो है आपके बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में इसकी खेती की जाती है, और प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में। फिर हम बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ से पहले मैं आपसे एक पॉइंट, मुझे और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि हाईलाइट करते समय कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, वो ये इस विभाग द्वारा, और साथ, हाँ देखिए क्या होता है कि इस विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, बस्ती, सहारनपुर तथा झांसी में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। भारत का पहला बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ? लखनऊ में स्थापित हुआ है। कहाँ पर? लखनऊ में। उसके बाद में लखनऊ का मलिहाबादी, दशहरी, वाराणसी का लंगड़ा, मेरठ एवं बागपत का रटोल तथा सहारनपुर का सफेदा एवं चौसा, ये सभी है आम की कैटेगरी। लेकिन आम की कैटेगरी में मैक्सिमम बार जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है सफेदा एवं चौसा। आम की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ मिलती है? चार ऑप्शन आपको देगा वहाँ पे, लखनऊ,
वाराणसी, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, तो अब याद रखना सहारनपुर। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर मतलब केला पकाने का संयंत्र चलाया गया मतलब स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में तीन कृषि निर्यात क्षेत्र क्रमशः लखनऊ, सहारनपुर एवं आगरा में स्थित है। कृषि निर्यात क्षेत्र आगरा आलू के लिए स्थापित है। यहाँ से देश के अन्य प्रदेशों में आलू ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो ताज ब्रांड के नाम से आलू कहाँ से कहाँ पर बेचा जाता है, एग्जाम में ये पूछता है। कृषि निर्यात क्षेत्र आगरा आलू के लिए विख्यात है। जब आगरा से आलू कहीं पर एक्सपोर्ट होता है, कहीं पर बेचा जाता है, तो उस ब्रांड का नाम क्या है? ताज ब्रांड। मैथा ऑयल शुद्धता की जांच हेतु कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में महोबा पान की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महोबा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का जो महोबा है वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? वो है पान की खेती के लिए प्रसिद्ध। याद रखना पान की खेती के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। इसके अलावा बरईमानपुर तथा पाली क्षेत्र भी प्रसिद्ध पान उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 21 जनपदों में पान की खेती की जाती है और आर्थिक समीक्षा कुछ इस प्रकार की रही है इस उपरोक्त डिटेल की। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु गणना अनुसार इस उत्तर प्रदेश में कुल पशु कितने हैं? तो वह हैं आपकी 639.66 लाख। इसमें गांव की संख्या कितनी है? गायें हैं इसमें 65.58 लाख और भैंसों की संख्या 128.69 लाख। फिर हम बात करते हैं कुल गायों और भैंसों की संख्या में दूध देने वाली गायें और भैंस कितनी हैं? तो ये है 69.3% तथा 71.4% जो दूध देती हैं। फिर हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भरारी में एक पशु चारा बैंक की स्थापना हुई। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भरारी ऑप्शंस में नहीं देता है, वहां पे देता है आपका झांसी। झांसी में एक क्या हो गया? पशु चारा बैंक की स्थापना हुई। फिर हम बात करते हैं वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट नीति की घोषणा करी। उसके बाद श्वेत क्रांति, भारत में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया। इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। सन 1976 ईस्वी में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई। तो दुग्ध विकास विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुई या फिर राज्य दूध परिषद की स्थापना कब हुई वो वर्ष आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। यूपी पुलिस का किसी का भी जो भी एग्जाम है, जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ इस सन को नोट कर ले कहीं पे 1976। फिर हम बात करते हैं 1970 से लेकर के 71 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के तीन जनपद क्रमशः वाराणसी, मेरठ तथा बलिया में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का श्री गणेश हुआ मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982 से लेकर के 87 तक राज्यों के 28 जिलों में ऑपरेशन फ्लड सेकेंड चलाया गया। थर्ड चलाया गया था 1987 से लेकर के 97 तक, 10 वर्ष तक ये चला। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें फर्स्ट और सेकेंड ही होता है। एग्जाम में आपसे जिलों की संख्या पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड सेकेंड में कितने जिलों को सम्मिलित करा गया, तो ये करा गया आपका 28 जिलों में। वर्तमान समय में प्रदेश में 59 दुग्ध संघ कार्यरत हैं। 2012 और 13 में उत्तर प्रदेश के 55 जनपदों में सघन मिनी डेयरी परियोजना लागू की गई। फिर हम बात करते हैं राज्य दुग्ध परिषद 1976 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में नियमित निकाय के रूप में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई। इस परिषद का मुख्य कार्य क्या था? लाइसेंस देना, क्षेत्र का आरक्षण करना, दुग्ध मूल्य दूध का मूल्य कितना होना चाहिए वो सब इसमें इन सबका काम था। अब हम बात करते हैं एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना 1993 से लेकर के 94 में उत्तर प्रदेश में लागू की गई। 100% केंद्र प्रायोजित इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के पिछड़े इलाकों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार का सृजन करना।
गोकुल पुरस्कार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक जो सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्य हों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है, केवल केवल राशि। डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें राशि है, जो फर्स्ट नंबर पर आएगा उसको मिलेगा 1 लाख, सेकेंड वाले को मिलेगा 50,000 मतलब उसका आधा, और 50 का आधा मिलेगा थर्ड वाले को मतलब 25,000 मिलेगा जो तीसरा स्थान प्राप्त करेगा। गोकुल पुरस्कार योजना में 3 पुरस्कार फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को इतना अमाउंट मिलता है। एग्जाम में आपसे फर्स्ट पूछ सकता है, सेकंड वाले को पूछ सकता है, और थर्ड वाले को कितनी राशि प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं आगे के। प्रदेश में वर्ष 1985-86 में मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना के तहत मछुआरों की मृत्यु होने पर उनको 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। अगर उनकी बॉडी में कोई इफेक्ट आता है, कोई डिफेक्ट आता है, अपंग हो जाते हैं, तो उसके लिए मिलेगा उनको 50,000 रुपये। अब हम बात करते हैं कुछ योजनाएं और योजनाओं का वर्ष। किसान मित्र योजना केवल इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें। हम बात करेंगे फिलहाल किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को लागू हुई, कृषक दुर्घटना बीमा योजना सितंबर 2004 में बनी थी, मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 2008 और 9 के बीच में बना था, किसान सेवा रथ 2010 और 11 के बीच में, नई कृषि नीति 2013, कॉमन सी बात है 2013 अगर यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करा गया है, लेकिन एग्जाम में आपको 2013 नहीं देगा, वहाँ बोलेगा नई कृषि नीति का शुभारंभ कब हुआ था, वो वर्ष बताइए 2010, 2009, 2011, 2013, तो आपको याद रखना है 28 फरवरी 2013। अब हम बात करते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करें, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं UPPSC UPPCA 2012-11 इस तरह से, ठीक है, इस बुक में तरीके से दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस की मात्रा बहुत अधिक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा न्यूमेरिक आप लिख लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। उसके बाद में हम इसका राइट आंसर क्या होंगे वो स्पीड में निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक अच्छा सेट हमारा होने वाला है, और इस बुक के एंड में इसके राइट आंसर भी दिए गए हैं। तो 41 तक काउंटिंग आप कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए, और इसके माध्यम से आप अपना को चेक कर सकते हैं आपको यूपी का ज्ञान कितना है, और अभी हमने कितना ध्यान से इस वीडियो को देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो इसमें हमको राइट आंसर चूज करना है। तो आप अभी तुरंत अपना राइट आंसर लगाइए अपने पेपर पर, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, प्रतापगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है आपका चावल। खाते बहुत ज्यादा हैं लेकिन बात कर रहा है उत्पादक नहीं है, तो वो है आपका चावल। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब, अभी हमने देखा था इस वीडियो में, तो इसका सही जवाब है आपका जून से लेकर के जुलाई के दौरान, सी। देखिए कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो इसका हमको सही आंसर चूज करना है, वो है आपका धान, मक्का, गेहूं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है, ठीक है, हमको इसका राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है फिफ्थ का वो है आपका खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सही उत्तर का चयन हमको करना है, इसमें से क्या सही है। वीडियो को अभी पॉज करिए और अपना राइट आंसर चूज करिए। तो इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका राइट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक जो उपज है वो कौन सी है, जूट, गन्ना, कपास या फिर तिलहन। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गन्ना। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है आंवले का, तो हमको इसका सही आंसर चूज करना है 8 का, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर। ये पूछा गया है UPPCS के एग्जाम में 2009 में, तो ये है आपका प्रतापगढ़।
निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो इसका हमको सही आंसर निकालना है, वो है आपका चावल। क्वेश्चन नंबर 10, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? भारत में नंबर वन पे उत्तर प्रदेश कौन सी फसल में है? चने में, ज्वार में, मक्का में, गेहूं में? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा गेहूं में। मैक्सिमम गेहूं कहाँ पे होता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा एक राज्य है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हमने आपसे बात करी थी, तो कॉमन सी बात है, इसका भी आंसर क्या रहेगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा इसने हेर फेर कर दिया है, इसी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान उत्पादन में किस किस चीज़ का है? तो हमने ये क्वेश्चन भी देखा था अभी कुछ समय पहले, तो इसका सही जवाब है वो है आपका गेहूँ और गन्ना। गन्ना मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में मिलता है, आप चूज़ करिए आपका गन्ना कहाँ पर है। गन्ना के बाद में चावल खाते हैं, लेकिन मैक्सिमम उत्पादक जो होता है वो होता है गेहूं का, हमने देखा था परसेंटेज भी कुछ टाइम पहले। तो बस थोड़ा सा अगर आप अटेंशन देकर के वीडियो वॉच करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, तो डैम श्योर आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है कि कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हमको चूज़ करना है, इसका राइट आंसर है आपका धान, मक्का और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस चीज का? तो इसका भी सही जवाब जो होगा वो होगा आपका गेहूं का। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि काफी कम होती है? चने की, मसूर की, अरहर की या फिर मूंग की? तो इसका राइट आंसर देखिए आप क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, मूंग। एक्चुअली सभी के आंसर इस बुक के एंड में दिए गए हैं, इस चैप्टर के अंत में आपको मिलेंगे। काफ़ी प्यारी बुक है सच में ये, अगर आप इसको सच में पढ़ लेते हैं, सीरियस तरीके से पढ़ लेते हैं, तो यूपी का कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा आपके एग्जाम में। तो इसलिए इस बुक को तुरंत आज जाके मार्केट से परचेज कर लीजिए, अगर मार्केट बहुत दूर है तो इसका आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, आलू, गन्ना, गेहूँ, दलहन? तो इसकी जो नकदी फसल है वो है आपकी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर चूज करना है हमको इसमें अपना, कथन ए और आर किस प्रकार से? तो ये 17 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किस में लगी है, कौन से भाग से आती है खेती में? तो वो है आपका राइट आंसर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो कृषि श्रम उत्पादकता है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में, देखा नई कृषि नीति कब लागू हुई थी अभी मैंने पढ़ा कुछ समय पहले, तो उसमें कृषि विकास दर डिसाइड करी गई कितनी परसेंट? तो इसका सही जवाब हमको निकाल के देना है अपने एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, 4%। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बी, जिनके पास क्या है, 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? चौसा आम, दशहरी आम, लंगड़ा या फिर सफेदा? आम के बारे में हमने डिस्कस करा था, तो यहीं से एक क्वेश्चन हमारे सामने कुछ बन चुका है, तो हमको इसका भी सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके। ये क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आपकी स्टेट का, अगर आप यूपी में रहते हैं तो। अगर आप यूपी में नहीं भी रहते हैं तो आपने मैक्सिमम आम कौन सा खाया है? अगर आम के सीज़न में आप आम खाते हैं तो मैक्सिमम आम जो है आपको कौन सा पसंद होता है, लंगड़ा, सफ़ेदा, चौसा, दशहरी? हम मैक्सिमम देखते हैं दशहरी आम। तो सबसे सर्वाधिक क्षेत्र वाली जो आम की प्रजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में वो है आपका बी, दशहरी। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख के आप मत भेजना, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया। अब देखिए, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? 23 का जो सही जवाब है वो है आपका आलू की। क्वेश्चन नंबर 24, देश के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 15%। क्वेश्चन नंबर 25,
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर का हमको चयन करना है। आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। देखिए गन्ना तो वो पक्का होगा होगा हमारे सामने, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 25 का, जो सही जवाब है वो है आपका डी, 1 और 3, आलू और गन्ना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न फसल समूह में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणीय है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका गेहूं में भी, गन्ने में भी, आलू में भी। गन्ना आलू हमने अभी देखा इससे पिछले क्वेश्चंस में, तो गन्ना आलू का कॉम्बिनेशन कहाँ बैठ रहा है? वो बैठ रहा है केवल बी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला है, शुगर बाउल किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में। चीनी कैसे बनती है? गन्ने से। तो शुगर बाउल क्या हो गया भाई? चीनी का कटोरा किसको बोलेंगे? उत्तर प्रदेश को तो बोलेंगे बच्चों। भारत में उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है उत्पादन में, कौन सी खेती में सेकंड पोजीशंस में हमारा उत्तर प्रदेश है? तो ये है आपका 28 का सही आंसर है, वो है धान के। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, अगेन सबसे नंबर वन पे उत्तर प्रदेश किस किस चीज़ों में है? तो वो है आपका गेहूं, गन्ना, आलू। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा उसने, और ये क्वेश्चन आया था यूपी लाहौर के एग्जाम में 1998 में। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, नेगेटिव बारे में पूछ रहा है हमसे। तो तीसरे का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का वो है फूलों का। वर्ष 2011 और 12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो इसका भी सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन हुआ था उत्तर प्रदेश में 11 और 12 के वर्ष के बीच में हुआ। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 32 का राइट आंसर रहेगा हमारा 9। मुझको पता है कि शायद मैं आपको अपना आंसर टिक लगाने का मौका नहीं दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को दोबारा वॉच करना, फिर अपना ये राइट आंसर चूज कर लेना, ठीक है। अब देखिए किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो 33 का सही जवाब जो होगा वो होगा गेहूं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, लिखा ना ब्रैकेट में कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब आया। देखिए इसी तरह से पढ़ेंगे आप भी, देख रहे हैं इंपॉर्टेंट कितना है यूपी का। भारतवर्ष में फर्स्ट प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? जबलपुर, कानपुर, फैजाबाद या फिर पंतनगर? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है पंतनगर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो कॉमन सी बात है, 35 का राइट आंसर रहेगा आपका गेहूं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? देखा था हमने अभी, 36 राइट आंसर सही, 1982। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में किसकी अवधि सबसे कम है? तो यह है आपकी 37 का राइट आंसर, मूंग। यूपीपीसीएस 2012 में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है किसमें? गन्ने का नाम पक्का आएगा, याद रखना। गन्ना हमारा बी में भी है, सी में भी है। इसके साथ चावल है, इसके साथ गेहूं है, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो 38 का राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा बताइए? चावल परसेंटेज में कम है, गेहूं परसेंटेज में ज्यादा है, तो यह है आपका गेहूं, गन्ना। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, सबसे नंबर वन उत्पादक किस चीज का है ये उत्तर प्रदेश? दूध में, चावल में, केले में, दालों में। 39 का सही परसेंट है दूध। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो मार्क स्थापित किया कहाँ पर? तो 40 का सही जवाब जो है वो है आपका डी, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर या इलाहाबाद? तो इसका सही जवाब जो है वो है आपकी सहारनपुर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। मेरा काम वीडियो बनाने का है आपके लिए, बुक को एक एक पेज को स्कैन करने का है और उसको हाईलाइट करने का है। आपका काम है इस बुक को मैक्सिमम शेयर करने का, पढ़ने का, नोट्स बनाने का, अपनी बुक को हाईलाइट करने का।
आई होप आप अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और मैं अपना काम। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। देखिए, अगर आपका जीएस में बेस काफ़ी कमज़ोर है तो आप ये लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक की एक प्लेलिस्ट है, ये बुक कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पेज को ढंग से स्कैन करके इसी तरीके से आपको बताया गया है, आपको हाईलाइट करवाया गया है। अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है, पहले इसको ख़त्म करिए और यूपी भी साथ में आप पढ़ते रहिए इस बुक के माध्यम से। और इस बुक की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये बुक पूरी हो चुकी है। सार संग्रह के नाम से इंग्लिश प्रिंट के कुछ ही चैप्टर कंप्लीट करें हमने, और वॉकैब विद फन निमोनिक मेथड के द्वारा इसमें आपके एक वॉकैब को याद करवाया गया है। आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, चेक करिए। अगर लगता है चैनल यूजफुल है तो इसको सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। अगेन बोलूँगा, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन प्रेस करने में प्लीज़ कंजूसी ना करें और शेयर मैक्सिमम करिए। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।